हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हैं विप्रवर आप? आप क्यों उठ गए? अमृत बेला हो रही है ना, मैं तो इस समय रोज ही उठता हूं, परंतु तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। विरह की रातों में नींद किसे आती है विप्रवर? और इस अमृत वेला में तो ये बावरा मन और व्याकुल हो जाता है। सच मानिए, रात भर लक्ष्मी देवी की याद तड़पाती रही। अमृत बेला में प्रेमिका को नहीं, ईश्वर को स्मरण किया जाता है, इसीलिए प्रेमिका को छोड़ो और परमात्मा से लव लगाओ। मुझे भी स्नान करना है, पूजा भी करनी है। चलो चलो, तुम भी स्नान करके पूजा करो मेरे संग। अरे स्नान स्नान में क्या रखा है, तन धोने से मन के पाप थोड़ी ना धुल जाते हैं। मनुष्य का मन जब तक साफ ना हो तब तक सब स्नान बेकार है। फिर चाहे गंगा नहा लो, चाहे सूरज कुंड में डुबकी लगा लो, मन मैला तो तन भी मैला। अरे अपना तो एक ही नियम है बाबा, कि पहले आत्मा की शुद्धि कर लो फिर स्नान स्नान करो। अच्छा ये बताओ, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? प्रेम रस की गंगा में नहाने से। अच्छा, हे ब्राह्मण देवता, प्रेम करना सीखो। प्रेम प्रेम से तन मन और आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। अरे मुरली मनोहर, तुम्हारी बातों में तर्क या तथ्य हो या ना हो, परंतु रस अवश्य होता है। मेरी बातों में तो रस ही रस है, क्योंकि हम जो ठहरे रसिया मन बसिया। अच्छा अच्छा मन बसिया, तुम्हारी मन भरी बातों में उलझा रहा तो मेरी प्रभात पूजा धरी की धरी रह जाएगी। मुझे अभी स्नान भी करना है। अच्छी बात है, स्नान इतना ही आवश्यक है, तो जाइए करिए। हाँ, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कुछ भी हो, सज्जन पुरुष है पर है बड़ा ही नटखट। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओ लक्ष्मी जैसी हमरी, आपका स्नान हो गया। हाँ। वो देखिए सामने आपके भगवान की मूर्ति है। श्री कृष्ण। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद, तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती।
संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चलिए पूजा आरंभ कीजिए, चलिए चलिए। श्री कृष्ण, 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 श्री मनोहर। अरे ओ मुरली मनोहर, कहिए ब्राह्मण देवता, तुम ये प्रेम गीत बंद नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण देवता? तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति? स्तुति तो मुझे आती नहीं। अच्छा तो मेरे साथ भगवान की स्तुति गाओ। अच्छी बात है। ब्राह्मण की आज्ञा है तो अवश्य गाऊंगा। Thank you.
कृष्णम ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। राजीव लोचन अतीब सुंदर राजीव लोचन अतीब सुंदर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम।
सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है, हमें पहचानो। समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं, इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर्ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। Oh, my God.
मुरली मनोहर क्या कहने हैं तुम्हारे, आज तुम्हारे साथ भगवान की स्तुति गाने का जितना आनंद आया उतना जीवन में कभी नहीं आया। आज की पूजा का रस तो विचित्र था, लगता है तुम कोई जादूगर हो। जादूगर तो आप हैं विप्रवर, आपकी भक्ति में अवश्य कोई जादू है। ऐसा जादू किया है आपकी स्तुति ने कि मैं अपनी लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया को ही भूल गया। वाह विप्रवर वाह, धन्य है आप, धन्य है। धन्य तो श्री कृष्ण कन्हैया है, लगता है तुम पर भी उनकी कृपा होने लगी है, जल्दी भक्त बन जाओगे पूरे। मैं तो आप जैसे भक्त का भक्त बन जाऊं तो निहाल हो जाऊं। वाह प्रभु वाह, निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया प्रभु, अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने, और वो सारे देवता भी जो भक्त और भगवान के इस अनुपम मिलन को देखने के लिए पधारे थे, वो सब भी आपके इस दिव्य रूप को देखकर निहाल हो गए प्रभु। निहाल तो हम भी हो गए देवी, कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं, और ये जानना कठिन हो जाता है कि दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन। रुक्मिणी तुम आज ऐसे ही एक दिव्य दुर्लभ और अनमोल क्षण की साक्षी हो गई हो। मेरे अहोभाग्य, आज सचमुच आपने उसे जन्म जन्मांतर की भक्ति का पूरा फल दे दिया है प्रभु। हमने उसे कुछ नहीं दिया है देवी, ये जो उसने पाया है ये तो उसने अपनी अनन्य भक्ति की ताकत से हमसे जबरदस्ती छीना है। उसका जो हक था वही उसको दिया है हमने, कुछ उपकार नहीं किया है। देखो हमारा उसका जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, आज वो उसकी चरम सीमा पार कर गया है। अब भगवान के पास उसे देने को और कुछ नहीं रहा, अब तो केवल मित्रता का खेल बाकी रह गया है। खेल? हाँ देवी खेल। मित्रों में तो आपस में बड़ी खिलवाड़ होती है, छेड़छाड़ होती है, चुगलबाजी होती है, ये लीला अभी बाकी है। अच्छा प्रभु, तो अब ये लीला आप कब दिखाएंगे? उसका भी समय आ गया है, वह देखो मुरली मनोहर उसे द्वारिका के पास ले आया है। Oh,
द्वारिका नगरी आ गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगर तुम न होते तो इतना लंबा रास्ता काटना कठिन हो जाता। अरे यूं कहिए, आपके कारण मेरा भी रास्ता आराम से कट गया। अच्छा, अब आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने घर चलता हूँ। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण के घर का पता तो बता जाते भैया। द्वारिकाधीश का घर यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजमहल कहाँ है, आपको बता देगा। नहीं, अगर तुम भी वहां तक चलते तो अच्छा होता। चिंता मत कीजिए, राजमहल निकट ही है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, आशीर्वाद। सुखी रहो, सुखी रहो। भाई साहब देखिए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, हाँ भाई साहब अरे सुनिए तो सही भाई साहब। अब मैं अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। देवनिर्मिता द्वारिका रही बैकुंठ लजा, दीन सुदामा द्विज करे चरण धरत सपुचा, नहीं समझे कित जा। जाने कौन है, किसे ढूंढ रहा है? ये कोई परदेसी है, क्योंकि द्वारिका में तो ऐसा दरिद्र कोई हो ही नहीं सकता। कोई निर्धन ब्राह्मण लगता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
हम ब्राह्मण देवता। सुखी रहो ब्राह्मण देवता। आप परदेसी लगते हैं, किसके घर जाना है आपको बताइए, हम छोड़ देते हैं। भैया मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण के घर? हाँ श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनबा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारकाधीश की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है मुझे। द्वारकाधीश से? हाँ उन्हीं से तो मिलने जा रहा हूँ। द्वारकाधीश से मिलना है आपको? हाँ। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आ पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। तो श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? हाँ। कहाँ है उनका घर? घर? अरे वो तो राजा है, राजा राजमहल में रहते हैं। आगे से दाएं चले जाइए, वहीं से उनके महलों का परिसर आरंभ हो जाता है। धन्यवाद, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। आइए। द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। ऐसा ही लगता है, जाने द्वारिका में कहां से आ गया है। ऐसे दरिद्र लोगों को द्वारिका में आने नहीं देना चाहिए। नहीं, किसी द्वारिका वासी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे दरिद्र है तो क्या हुआ, है तो मनुष्य ना, बस जरा सा दिमाग चल गया है। इस पर भी हमने उसे राजमहल का रास्ता बता दिया तो क्या हुआ, राजमहल में ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार होता है, पर उस बेचारे को इस दशा में देखकर राजमहल के द्वारपाल घुसने ही नहीं देंगे। जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं? जाओ सुदामा, लौट जाओ। देखा नहीं लोग कैसे हंस रहे थे तुम पर, पागल कह रहे थे तुम्हें। पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं। नहीं क्या मालूम कि श्री कृष्ण और मेरी कैसी मित्रता है। वो सब बचपने की बातें हैं, अब इस आयु में तो बचपना ना करो, हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हें भूल गए हो। समय के साथ साथ मनुष्य भी बदल जाता है। नहीं नहीं, वो भगवान है, महान है, समय से अधिक बलवान है, समय क्या बदलेगा उन्हें। मनुष्य अवश्य बदल जाते हैं, परंतु भगवान नहीं बदलते, नहीं बदलते।
भगवान, आपके मित्र तो द्वारिका पहुंच गए, फिर इस चिंता और व्याकुलता का क्या कारण है? देवी, मैं चिंतित इसलिए हूं कि सुदामा बड़ा ही स्वाभिमानी है। वो द्वारिका के वैभव को देखकर इस वैभव से अपनी दरिद्रता की तुलना कर रहा है। इस समय उसके मन में एक युद्ध चल रहा है कि मुझसे मिले या लौट जाए। मुझे भय है कि उसका स्वाभिमान उसे किसी भी क्षण लौट जाने पर विवश कर सकता है। धैर्य रखिए प्रभु, वो अवश्य आपसे आकर मिलेंगे। और यदि लौट भी गए तो क्या हुआ? आप उनसे एक बार तो मिल ही चुके हैं, फिर पुनर्मिलन के लिए इतनी व्याकुलता क्यों? इसलिए कि सुदामा से मेरा वो मिलन झूठा भी था और अधूरा भी। झूठा और अधूरा? अर्थात? अर्थात ये कि देवी, वो मिलन झूठा ही था। झूठा इसलिए कि सुदामा से मिलते समय मैं होकर भी मैं नहीं था, और अधूरा इसलिए कि वो भेंट दो मित्रों की भेंट नहीं थी, बल्कि दो अनजान यात्रियों की भेंट थी जो रास्ते में मिले और बिछड़ गए। अपनी सखा से मिलने का आनंद न सुदामा को मिला और न मुझे मिला। सुदामा को आपसे मिलने का आनंद नहीं मिला, ये बात तो ठीक है, परंतु आप तो उनसे मिल चुके हैं, रास्ते भर उनके साथ साथ रहे हैं, इस पर भी आप संतुष्ट रहेंगे? सुदामा से मेरी वो भेंट वैसी ही थी जैसे कोई बालक जल में चंद्रमा की छवि को देखकर उसे पकड़ने की चेष्टा करता है और चंद्रमा उसके हाथ नहीं आता। भगवान, यदि सुदामा से मिलने के लिए आप इतने ही व्याकुल थे तो फिर एक यात्री के वेश में क्यों मिले? अपने असली रूप में ही उनसे भेंट कर लेते? नहीं देवी, ये संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझसे मिलने के लिए जितनी तपस्या आवश्यक है, सुदामा उतनी तपस्या अभी पूरी नहीं कर सका था। कर्म का विधान ऐसा है कि हर मनुष्य को अपना उद्देश्य पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। यदि लोग कर्म ना करें और केवल अभिलाषा के माध्यम से ही अपना उद्देश्य पा लें, तो कर्म कौन करेगा? सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्म वीर होने का प्रमाण दिया है, और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो उसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी, ये एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को ये शिक्षा कैसे दे पाता?